वेलकम बैक विथ अनदर टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो। इस वीडियो में हम बहुत ही यूजफुल ट्रिक के बारे में जानेंगे। लेट स्टार्ट इट। पहला ट्रिक फोटो एडिटर के लिए है। जब हम कोई फोटो एडिट करते हैं तो कभी कभी हमें बैकग्राउंड रिमूव करना होता है, तो इस ट्रिक के थ्रू हम बहुत कम टाइम में बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। क्रोम ब्राउजर में removebg.com सर्च करते हैं और फिर यह ओपन हो जाता है और यहाँ हम अपलोड इमेज के जगह जो हमें फ़ोटो का बैकग्राउंड रिमूव करना है वो अपलोड करेंगे। अपलोडिंग स्टार्ट होते ही हम यहाँ आप देख पा रहे हैं कि जो मेरा फ़ोटो अपलोड हुआ था उसका बैकग्राउंड अच्छी तरीके से रिमूव हो चुका है और उसे हम सेव कर लेंगे। आप देख रहे हैं कि इस फोटो का बैकग्राउंड अच्छे तरीके से इरेज हो चुका है। अब हम इसे कहीं भी यूज कर सकते हैं। इस सुपर ट्रिक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन में इस वेबसाइट का लिंक दिया गया है, आप वहां से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ट्रिक बहुत इन्फॉर्मेटिव है। इस ट्रिक के थ्रू फोन इन्फॉर्मेशन, बैटरी इन्फॉर्मेशन, यूज स्टेटिक्स, वाईफाई इन्फॉर्मेशन और भी बहुत कुछ जान सकते हैं। जैसे ही आप एक कोड डायल करेंगे आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा। फोन इन्फॉर्मेशन आपके फ़ोन के बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, इसी तरह बैटरी इन्फॉर्मेशन। यूज स्टेटिक्स आपके फ़ोन में सभी ऐप्स के बारे में बताता है कि कौन सा ऐप कब और कितने टाइम तक यूज हुआ है। अगर आप भी फ़ोन बहुत यूज करते हैं तो आपको यह ट्रिक जानना बहुत ही आवश्यक होगा, जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट ट्रिक आपके फ़ोन का स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन रेट को बताता है, जो SAR भी कहा जाता है। SAR मापा जा रहा सोर्स से बॉडी द्वारा रेडियो फ्रिक्वेंसी एनर्जी ऑब्जर्वेशन का एक रेट है। इस केस में एक नॉर्मल सेलफोन का SAR वैल्यू 1.6 वाट पर kg होता है। अगर 1.6 से कम है तो ठीक है, इन केस आप 1.6 से ज़्यादा है तो आपका फ़ोन आपके लिए डेंजरस हो सकता है। इस ट्रिक का यूज तब करते हैं जब कोई अपने फ़ोन के फाइल मैनेजर में ऐप लॉकर का यूज करता है, तब हम उसके मीडिया को एक्सेस नहीं कर पाते हैं। अगर फिर भी उसके मीडिया को एक्सेस करना है तो गूगल क्रोम के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ क्रोम के URL सर्च में फाइल कॉलन /SD कार्ड लिखेंगे तो हम उसके मोबाइल के SD कार्ड में पहुँच जाएंगे। उसके बाद हमें किसी फाइल में जाना है तो वहाँ पर फाइल का नाम लिख के इंटर करेंगे तो उस फाइल में पहुंच जाएंगे। जैसे हम डाउनलोड लिख के इंटर किए तो हम डाउनलोड के सभी फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद जस्ट हम क्लिक करके उसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर करें और इसी तरह वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल टू डू स्पेशल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।